समय ऐसा है पक्का खा भी दो पक्का पड़ेगी लेकिन बोलो मत करो वो रखा सब देखो अंदर साइकिल का है सही सही करा मोटरसाइकिल किसी का है मैं भाई तो कह रहा हूँ देख लियो बीएसपी का उसको क्या चक्कर ना वो अरे वो था भी ना यार ये कैसे मैंने खा लिया जी बेटा ये रख रखे इस पे क्यों चल रहे हो बेटा ये सब नुकसान हो जाएगा ये हाथ ये सारे नीचे को आ जाएंगे बोले मेरा पर्सनल है सरकारी दे रहा हूँ आपको पर्सनल नंबर दे रहा हूँ वो बोले मजा आ गया भाई तकरीबन हो गया मुझे 35 साल हो गए इस चीज़ को बनाते हैं किसानी है अपना अच्छा। पहले दादा करते थे फिर वालिद करा फिर हम कर रहे अच्छी खुशी होती है कहाँ कहाँ आपने इससे पहले रावण के पुतले बनाए हैं सब हमारे दादा ने तो काशीपुर का बनाया सबसे पहले फिर पंजाब के बनाए यहाँ के बनाया मैंने पढ़ाई करते हैं बस वही इसी काम में उनका दिल नहीं है अच्छा दिल नहीं है अच्छा वो मजदूरी करते हैं अच्छा रहे हैं और यहाँ तो तकरीबन 85 फुट हो जाएगा 85 फुट नहीं सबसे बड़ा यही है और कितनी मेहनत लगती है और कितना मतलब कितनी लगे रात दिन जागना पड़े काम करने में अच्छा कितना दिन लग जाता है एक पुतला बनाने में एक पुतला यहाँ तो 25 दिन हो गया बनाते बनाते 25 दिन हाँ चार हैं चार लोग आप ही के साथ के हैं आप ही कहाँ से आए हैं आप लोग आए तो हापुस से हापुस थोड़ी थोड़ी है बस थोड़ी मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ कि रावण के पुतले पे आपने तिलक लब बनाया है या और भी जो है हाथों पे या उस टाइप का ढाल तो जानकारी पहले से ही ऐसे ही चलता आ रहा ना जब हमारे दादा ऐसे ही बनाते थे हमने भी ऐसे ही बना दिया थोड़ा बढ़ा दिया उसे बस थोड़ा खूबसूरती में कर दिया अच्छा तो कभी रामलीला देखते भी हैं आप
नहीं यही देख लें, यहीं पर ही खड़े होके देख लेते हैं। ऐसा कुछ है, ऐसा होता है जब आते हैं तो जब होता है कि ऐसा हो कि हम नाम करके जाएं, कमेटी का भी नाम है। ये लोग एक महीने करीब हो रहा है सब। अच्छा, हापुड़ मेरठ के रहने वाले हैं, ये काम कर चौथी पीढ़ी है सब। इनके जो पड़े दादा थे वो प्रेसिडेंट अवार्डी थे, उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। पीर बख्श वगैरह जो थे हमारे यहाँ, वो लोग पुराने प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था उन लोगों को पहले। और ये मुरादाबाद की पहले हमारे पड़े दादा के ज़माने से मुरादाबाद में बनाते आए हैं। अच्छा, 85 ये ऊपर माथे तक जो है तिलक इसका वो 85 फुट है, लेकिन इसके ऊपर जो मुकुट के ऊपर जो बनेगा वो 92 फुट का हो जाएगा। ये 4-5 जने तो कारीगर हैं, इनके बाकी हेल्पर हैं। अच्छा, आया बच्चे भी सब इसी, हम लोगों को भगवान का एक महीने का काम हो जाता है ये, इसीलिए हम लोग व्यापारी हैं वैसे तो हम लोग। बहुत बढ़िया कमेटी जो है ये, इसमें मुस्लिम हिंदू कोई भी इस तरह का कोई सवाल नहीं है। यह 1980 के अंदर जब मुरादाबाद के अंदर राइट्स हो रहे थे तो उस वक्त हमारी मंडली जो थी उसमें मुस्लिम डायरेक्टर थे और मधुकर गुप्ता ये DM थे और धर्मवीर मेहता SSP थे। उस वक्त वो लोग भी चौंक गए कि यह रामलीला खेलने वाले कलाकार मुस्लिम थे और लेकिन शहर में दंगा इस टाइप का हो रहा था। ये सब मुस्लिम्स हैं, दुकानदार बहुत मुस्लिम्स हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ होते आ रहे हैं। यह हिंदू मुस्लिम किसी से का ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं हमारे यहाँ, मतलब सब लोग मिलके रामलीला की मिसाल है। ये इंडियन एक्सप्रेस में छप चुका है, 1980 में ये मुरादाबाद की रामलीला एकता के लिए मिसाल है। ठीक सर, थैंक यू। कोई भाव नहीं होता एक दूसरे में। थैंक यू।